बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने लेसन नंबर 1 द लास्ट सरमन ऑफ द रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट किया था, जहाँ से हमने कल इख्तिताम किया था। आज हम वहीं से आगाज़ करेंगे अपने लेसन का। सबसे पहले हम रीडिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम ट्रांसलेशन और मीनिंग देख लेते हैं। His is the sovereignty and to him is due all praise. He grants life and causes death and is powerful over everything. There is no god but Allah, the one. He fulfilled his promise and granted victory to his bondsmen, and he alone routed the confederates of the enemies of Islam. चलें अब हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। हिज इज़ द सवर्निटी, तमाम हाकमियत या बादशाहत उसी की हैं। एंड टू हिम इज़ ड्यू ऑल प्रेज, तमाम तारीफ़ें उसी की हैं। ही ग्रांट्स लाइफ, वो ज़िंदगी देता है। एंड कॉजेज़ डेथ, और मौत देता है। एंड इज़ पावरफुल ओवर एवरीथिंग, और हर चीज़ पर कादिर है। देर इज़ नो गॉड बट अल्लाह, अल्लाह के सवा कोई माबूद नहीं। द वन, वो अकेला है। ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस, वो अपने वादों को पूरा करने वाला है या पूरा करता है। एंड ग्रांटेड विक्ट्री टू हिज बॉन्ड्समैन, और वो अपने बंदों को फतह देता है। एंड ही अलोन रूटेड द कॉन्फिडरेट्स ऑफ़ दी एनिमीज़ ऑफ इस्लाम, और वह अकेला ही शिकस्त देता है इस्लाम के दुश्मनों को। अब देखें, हमने इसकी ट्रांसलेशन कर लिया, हम अब इसका लफ्ज़ी मायने देख लेते हैं। सवर्निटी, बादशाहत या हिकमत। प्रेज, तारीफ़ें। ग्रांट्स, अता करना। डेथ, मौत। पावरफुल, कादिर। एवरीथिंग, हर चीज़। वन, अकेला। फुलफिल्ड, पूरा करना। प्रॉमिस, वादा। विक्ट्री, फतह। बॉन्ड्समैन, गुलाम या बंदे। रूटेड, हात्मा किया। कॉन्फिडरेट्स, वफाक। एनिमीज़, दुश्मन।